हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं हिमांशु एंड दिस इज टेक एंड टेक। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग के एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ यानी कि परफॉर्मेंस की। और सैमसंग के इस मोबाइल में आता है एक्साइनोस 990 के प्रोसेसर सिर्फ इंडिया में, लेकिन US में यही मोबाइल नोट 20 अल्ट्रा स्नैपड्रैगन 865 के साथ लॉन्च हुआ है। अब पता नहीं सैमसंग ऐसा क्यों करता है कि US में वही फ़ोन स्नैपड्रैगन के साथ और इंडिया में वही फ़ोन एक्साइनोस के साथ, बट अगर यहाँ पर भी 865 के साथ लॉन्च होता तो उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ज़्यादा एनहेंस हो पाता। एक चीज़ जो इस मोबाइल को बना देती है सबसे ज़्यादा खास, वो है इस मोबाइल की बिल्ड क्वालिटी। पीछे से तो ये मोबाइल मेटेलिक का है ही, लेकिन फ्रंट साइड में इसमें लगा हुआ है दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट, टफेस्ट और प्रोटेक्टेड ग्लास, और वो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस। ये दुनिया का सबसे पहला मोबाइल है जो गोरिल्ला ग्लास विक्टस पर आया है। और अब बात करते हैं इस मोबाइल की सबसे इम्प्रेसिव और एक्साइटिंग थिंग के बारे में, और वो है इस मोबाइल की डिस्प्ले। तो इस मोबाइल में आती है एक WQHD डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले जो कि करती है सपोर्ट 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट को, यानी कि इस मोबाइल की डिस्प्ले से आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। इस मोबाइल में आता है ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें से प्राइमरी कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का फॉर टेलीफोटो लेंस, एंड द थर्ड वन इज अल्ट्रा वाइड के लिए 12 मेगापिक्सल का। और इस फ्रंट में लगा है 10 मेगापिक्सल का सेंटर पंच होल कैमरा। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज बैटरी। इस मोबाइल में आती है एक 4500 mAh की बड़ी बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को, और ये मोबाइल 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, नहीं पसंद है उस साइड में डिसलाइक का ऑप्शन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस आने वाली हैं।